अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश और हमारे जो टॉपिक का नाम है द लायन एंड द माउस। लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट। वंस अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। एक लायन दरख्त के नीचे सो रहा था। अ माउस saw him, चूहे ने उसे देखा। He ran up the lion's tail and climbed on his back. जो चूहा था वो लायन के ऊपर दौड़ने लगा और टेल के ऊपर से चढ़कर वो उसकी पीठ पर चढ़ गया। He jumped all over this body, और वो पूरी बॉडी के ऊपर नाचने लगा, कूदने लगा। ही स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन द लायंस फेस अगेन एंड अगेन। जो वो चूहा है वो फेस के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे स्लाइडिंग करने लगा, फिसलने लगा। द लायन गॉट अप, लायन जो है वो जाग गया। ही गॉट वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुआ। ही कॉट द लिटिल माउस इन हिज पाव, उसने अपने पंजे में उसे पकड़ लिया। ही सेड एंग्रीली, और गुस्से से बोला, यू नॉटी माउस, तुम शरारती चूहे, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सताने की। नाउ सी हाउ आई पनिश यू, अब देखो मैं तुम्हें क्या सजा देता हूँ। आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द माउस वॉज अफ्रेड, चूहा जो है वो बहुत डर गया। और ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, वो गिड़गिड़ाने लगा। ही प्लीडेड, ओ लायन द किंग ऑफ जंगल, उसने बहुत ही इल्तिमास भरे लहजे में शेर से कहा कि ओ शेर, तुम इतने बड़े जंगल के राजा हो, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, आप मुझे माफ कर दो, प्लीज लेट मी गो, और मुझे जाने दो। आई विल हेल्प यू समडे, कुछ मैं कभी भी आपकी मदद कर सकता हूँ या करूँगा। द लायन लाफ्ड एंड सेड, लायन जो है लायन को हंसी आ गई और उसने बोला, ओ रियली, अच्छा यू लिटिल माउस, तुम छोटे चूहे, हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो, डेट सो फनी, ये तो बड़ी मजाकिया बात है, एनीवे गो, अच्छी बात है, ठीक है चलो जाओ, गेट अवे फ्रॉम हियर, यहां से फौरन चले जाओ। Then he set the mouse free, और उसने अपने पंजे से माउस को फ्री कर दिया। Thank you friend, चूहे ने शेर से कहा कि thank you दोस्त, शुक्रिया दोस्त, thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया। Set the mouse and run away quickly, उसने शेर का शुक्रिया अदा किया और वहां से फौरन भाग गया। A few days later, कुछ दिनों के बाद, the lion was caught in a hunter's net. कुछ दिनों के बाद जो है शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। He was roaring loudly, वो बहुत जोर जोर से गुर्राया। The mouse heard it, माउस ने शेर की आवाज सुनी and ran to the लायन, रन टू द लायन, और वो लायन की तरफ भागा। ही saw द लायन caught इन द नेट, उसने देखा कि शेर जो है उसके जाल में फंसा हुआ है। ही called his friend, उसने अपने साथियों को बुलाया। ऑल माइस केम टूगेदर, सब चूहे एक जगह जमा हुए एंड निबल द बिग नेट विद देयर शार्प
तीत, उन्होंने अपने शार्प तीत, बहुत तेज, चूहे के दांत जो होते हैं बहुत तेज होते हैं, वो कुछ भी कतर सकते हैं बच्चों। प्लास्टिक की बाल्टियाँ, प्लास्टिक का सामान ज़्यादातर वो लोग अपने दांतों से काट लेते हैं। तो इसी तरह उन्होंने जो है, जो शेर जिस जाल में कैद था, उसको अपने दांतों से काट दिया। दे सेट द लायन फ्री, और उन्होंने शेर को जाल से आज़ाद कर दिया। द लायन सेड थैंक यू डियर लिटिल माउस, क्या कहा उसने कि थैंक यू छोटे चूहे, यू सेव माई लाइफ, तुमने मेरी जान बचाई। ये कहकर दोनों में दोस्ती हो गई। तो बच्चों, आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से दोबारा 3 बार सुनेंगे, और जिस बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन को नहीं दबाया है, उसको इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये मैंने भी ऊपर लिखकर आप लोगों को भेजा है, उसमें भी चेक कीजिए। यहाँ पर है लायन सॉरी, फिर है माउस थैंक यू, लिटिल वेरी प्लीज, और ये है अवे। ये प्लीज़ का मतलब है बच्चों बड़ा मेहरबानी, अपन बोलते हैं ना प्लीज़ मुझे पानी दो, बड़ा मेहरबानी मुझे पानी दो, वो है अवे, मतलब यहाँ से चले जाओ। लिटिल मतलब छोटा, वेरी यानी बहुत, माउस मतलब चूहा, थैंक यू शुक्रिया, लायन शेर सॉरी, सॉरी यानी माफ़ कर दो। चलो फिर अल्लाह हाफिज़ बच्चों।